हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक पाइथन की फाइल है, उस फाइल को हम लोग इंस्टॉलर बनाएंगे, जिससे कि होगा क्या कि कोई भी किसी अपने फ्रेंड्स को आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉलर दे सकते हो और वो अपने सिस्टम पे उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकता है। तो ये काम करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग अपने पाइथन स्क्रिप्ट को एक विंडो एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट मीन्स exe में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने उसमें क्या किया था, पाई इंस्टॉलर की हेल्प से अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट को नॉर्मल exe फाइल में कन्वर्ट किया था। और आज हम लोग क्या करेंगे, उस exe फाइल का इंस्टॉलर बनाएंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके उस फाइल को इंस्टॉल कर सको। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पाईचार्म IDE पे हूँ और मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग किस पाइथन स्क्रिप्ट का इंस्टॉलर बनाएंगे। पहले exe बनाएंगे, उसके बाद इंस्टॉलर बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास पिछले वीडियो का जो exe फाइल था वो है नहीं अभी। तो मैं क्या करूँगा, पिछले वीडियो में हम लोग ने इस कैलसी की exe फाइल बनाई थी और इस बार मेरे पास एक form.py है, इसका हम लोग exe फटाक से बनाएंगे। और मैं ज़्यादा इस बार exe बनाने में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, exe बनाना है तो आप पिछले वीडियो को जाके देखेंगे, ठीक है। तो मैं इस वाली फाइल को form.py को चला के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर रन कर दिया और यहाँ पर आपको देखिए एक फॉर्म दिख रहा है। और यहाँ पे फॉर्म में क्या है कि इसका नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, और इसका हम लोग exe बनाएंगे। तो exe बनाने के बाद इंस्टॉलर भी बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस फाइल का, इस पाइथन स्क्रिप्ट का exe बना देते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं बताऊंगा, ये जो मेरी फाइल है वो पाइथन की स्क्रिप्ट है, वो कुछ फाइल्स को यूज़ कर रही है। जैसे वो यूज़ कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो, एक MP3 फाइल को यूज़ कर रही है, दूसरा एक आइकन को यूज़ कर रही है, और तीसरा एक फाइल इमेज को यूज़ कर रही है, ठीक है। आप क्या करिए, राइट क्लिक करके अगर देखें तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया हुआ, ये आइकन लगाया हुआ, और यहाँ पे एक मेन टाइटल का आइकन लगाया हुआ, और एक सॉन्ग भी चल रहा है, बट आप लोग को स्पीकर पे सुनाई नहीं दे रहा है, बट जब तक ये फॉर्म ओपन रहेगा तब तक एक म्यूजिक भी चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैनेज करेंगे। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे जो रिलेटिव पाथ दिया है, देखिए जो सॉन्ग है, song.mp3, वो करंट डायरेक्टरी में नहीं रखा है, वो पेरेंट डायरेक्टरी में रखा है। दैट मीन्स ये जो फाइल है जी वाई फोल्डर के अंदर, जो form.py है, इस करंट डायरेक्टरी में वो वाली फाइल नहीं रखी है, वो फाइल रखी हुई है इस GY के पेरेंट डायरेक्टरी, दैट मीन्स TK प्रैक्टिस में अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइल रखी हुई है। तो अगर आपको बनाना है इंस्टॉलर नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को पहले थोड़ा सा सही करेंगे। मैं क्या करूँगा, इस GY वाले फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और डायरेक्टरी पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे RES रिसोर्स का एक फोल्डर बना लूँगा। और हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्म पे, वो सारी रिसोर्सेस मैं इसी RES में ले आऊँगा। तो पहली चीज़, मैं यहाँ पे song.mp3 को कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे हम लोग रिसोर्स में क्या कर लेंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे। पहला रिसोर्स आ गया, आप देख पाओगे। और दूसरा, हम लोग यहाँ पे abc.icon यूज़ कर रहे हैं, आइको, तो हम abc.icon भी कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ सिंपल RES रिसोर्स में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एक फाइल मैं और यूज़ कर रहा हूँ, image.png, उसको भी हम लोग लाएंगे यहीं पे पेस्ट कर देंगे, image.png। तो हम लोग राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और हम लोग अपने RES फाइल में सिंपली पेस्ट कर देते हैं। अब होगा क्या कि अब हमारे रिसोर्सेज बहुत अच्छे से मैनेज होंगे, क्योंकि अब ये सारे चाइल्ड डायरेक्टरी में, दैट मीन्स अगर मैं फॉर्म में इन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा RES/abc.icon। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली देखिए मैं चेंज करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं लिखूँगा स्लैश, देखिए डॉट स्लैश का मतलब था करंट डायरेक्टरी जिसमें फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर एक रिसोर्स है और उसके अंदर हमारा song.mp3 है। उसके बाद हम इसके लिए भी वही करेंगे, हम क्या करेंगे, डॉट स्लैश के बाद हम लगाएंगे RES सिंपल, दैट मीन्स आप करंट डायरेक्टरी जिसमें फॉर्म है, उसके बाद रिसोर्स, उसके बाद abc.icon, और इमेज के लिए भी हम लोग सेम कर देंगे RES/। अब क्या होगा, अब राइट क्लिक करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी फाइलें यूज़ हो रही होंगी। देखिए सिंपल, कोई चेंजेस नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे एक रिसोर्स फोल्डर बनाया। अब ये याद रखिएगा, आपको इस फॉर्म के साथ ये रिसोर्स फोल्डर अटैच रखना है हमेशा, क्योंकि ये फॉर्म यूज़ कर रहा है आपका इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर चीज़ें। अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं और बनाते हैं अपना exe। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पाई इंस्टॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक पाई इंस्टॉलर नहीं इंस्टॉल किया तो आप पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर एंटर कर दीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
पाई इंस्टॉलर की हेल्प से हम लोग बनाएंगे, कमांड चलाएंगे वन फाइल, और अपनी इस फॉर्म डॉट पी वाई का पाथ दे देंगे, फाइल दे देंगे यहाँ पे। तो देखिए, हम अभी हमारी करंट डायरेक्टरी है टी के प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है कि आपकी जो फाइल है वो टी के प्रैक्टिस के अंदर जी वाई के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी वाई, सबसे पहले टी के प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे जी वाई, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग फॉर्म डॉट स्लैश फॉर्म डॉट पी वाई, और हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। ये क्या करेगा, आपकी ई एक्स ई फाइल जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो गया। हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और हमें यहाँ पे दो नए फोल्डर मिलेंगे, एक डिस्ट और एक बिल्ड। तो हम डिस्ट को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ फॉर्म डॉट टी एक्स ई मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम ले आएंगे इसको डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे नया फोल्डर बना सकते हैं फॉर्म का, और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं सिंपली। तो हमारे पास डिस्ट है, और इसके अंदर देखिए हमारा फॉर्म डॉट ई एक्स ई फाइल है। लेकिन अभी ये रन नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्म डॉट पी वाई या फॉर्म डॉट ई एक्स ई, इस स्क्रिप्ट को चाहिए होगा वो रिसोर्स फोल्डर। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पाई चाम में चलेंगे, और यहाँ पे जी वाई के अंदर जाएंगे, तो रिसोर्स फोल्डर को हम लोग सिंपल कॉपी कर लेंगे। और आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देना है कि इस रिसोर्स को रखना है अपने फॉर्म के पैरेलल में, फॉर्म जिसमें है उसी फोल्डर में। तो हम लोग आएंगे और यहीं पे हम अपने रिसोर्स फोल्डर को देखिए सिंपली पेस्ट कर देंगे, और हम अपने पाई चाम को बंद कर देंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को चलाएंगे, और हमारा फॉर्म चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिएगा सिंपली, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे ई एक्स ई को चलाने पर। तो एक्चुअली ये जो फॉर्म है वो हमारे इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे ही रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, मैंने भी ऐसे मैनेज किया, और आप भी ऐसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप रिसोर्सेज को मैनेज कर लीजिए, उसके बाद क्या करिए, आप उन रिसोर्सेज को ई एक्स ई के रिलेटिव पाथ में रख दीजिए, पाथ मैच करना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम लोग को क्या करना है, इसका इंस्टॉलर बनाना है, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर पाएँ। तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा आइनो सेटअप। तो हमारी ये देखिए वेबसाइट है, आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे आइनो सेटअप डाउनलोड, आइनो सेटअप डाउनलोड, और आपकी जो पहली वेबसाइट ओपन होगी इस पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। रैंडम, देखिए रैंडम साइट है, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप क्या करेगा, आइनो सेटअप चला दीजिएगा सिंपल। जैसे आप चलाओगे आइनो सेटअप, तो यहाँ पे सिंपल देखिए क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट फाइल है, इस पर क्लिक करेगा और ओके कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये आपके एप्लीकेशन का नाम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई टेस्टिंग फॉर्म। वर्जन पूछ रहा है तो आप दे दीजिए 1.0, आप कोई भी वर्जन दीजिए। एप्लीकेशन पब्लिशर, तो मैं अपना नाम दे रहा हूँ, या आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो कोई भी नाम दे दूँगा। ये आपकी वेबसाइट पूछ रहा है, तो आप यहाँ अपनी वेबसाइट दे दीजिए सिंपल। आपके पास वेबसाइट है तो दीजिए, अदरवाइज आप किसी दूसरे की वेबसाइट दे दीजिए, या फिर आप बनाना सीखिए, बनाने के बाद वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ये वेबसाइट दिखेगी जो इसको इंस्टॉल करेगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। ये आपसे पूछ रहा है एप्लीकेशन डेस्टिनेशन बेस फोल्डर, दैट मीन्स कहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है ये पाइथन का प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम फाइल्स में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको कस्टम करना है कहीं और जगह, तो आप यहाँ पे कस्टम चूज़ कर लीजिए, बट मैं यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दूँगा। अब ये आपसे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपसे पूछ रहा है एप्लीकेशन मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब किस फाइल को आप एग्जीक्यूट करोगे जब आपका कोई प्रोग्राम रन करेगा। तो मैं यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पर चलूँगा, और सिंपल फॉर्म को ओपन करूंगा, और डिस्ट में चलूंगा, और अपने फॉर्म डॉट ई एक्स ई को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको कोई और फोल्डर की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली, अगर आपको सिंगल फाइल की ज़रूरत है तो आप ऐड फाइल पे कर लीजिए, मल्टीपल फाइल्स दैट मीन पूरे फोल्डर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ऐड फोल्डर पर कर दीजिए। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए फॉर्म के अंदर डिस्ट की सारी चीज़ ले लेते हैं, डिस्ट की सारी चीज़। और डिस्ट में रखा क्या है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। डिस्ट में कुछ ज़्यादा नहीं रखा हुआ है हमारे फॉर्म के, डिस्ट के अंदर हमारा यही रिसोर्स वाला फोल्डर रखा है, जिससे कि रिसोर्स भी मिल जाए, ये वाला फोल्डर मिल जाए। तो मैंने क्या किया, डिस्ट वाला फोल्डर सेलेक्ट किया है, और फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ये आपसे कुछ लाइसेंस फाइल
अगर लाइसेंस फाइल पूछ रहा है तो अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में कुछ लिख करके दे दोगे तो ये क्या करेगा, जब कोई बंदा इंस्टॉल करेगा तो दिखाएगा। और ये पूछ रहा है इंफॉर्मेशन, इंस्टॉलेशन के पहले क्या दिखानी है, बाद में क्या दिखानी है, तो यहाँ पे फाइल दे सकते हो आप बहुत बड़ा लिख के, एग्रीमेंट वगैरह जो आप देखते हो जब फोल्डर को इंस्टॉल करते हो। तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, अपनी फाइल बना के लाइसेंस में क्या लिखना है, इंस्टॉलेशन के बिफोर पहले क्या दिखाना है, बाद में क्या दिखाना है, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से फिल कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे, फिर नेक्स्ट कर दोगे, फिर नेक्स्ट कर दोगे। अब ये पूछ रहा है कि आपका आउटपुट फोल्डर कहाँ है, जो सेटअप जनरेट होगा वो कहाँ पे जनरेट होगा, तो मैं ब्राउज करके इसको चूज़ कर लूँगा डेस्कटॉप की, मुझे डेस्कटॉप पे ही जनरेट करना है, ओके कर दूंगा। उसके बाद ये देखिए सेटअप पूछ रहा है, तो मैं सेटअप में डाल दूंगा माई अंडरस्कोर फॉर्म। उसके बाद देखिए आपको आइकन अगर आपके पास है तो चूज़ कर लीजिए, मेरे पास अभी आइकन नहीं तो मैं ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दूंगा। पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट कर दीजिए, फिर फिनिश कर दीजिए, फिर यस कर दीजिए, और फिर यस कर दीजिए, और फिर आप यहाँ पे एक आइनो सेटअप स्क्रिप्ट बनेगी, तो आप एक नाम दे दीजिए ऐसे ही फॉर्म टेस्ट, और आप क्या कर दीजिए इसको सिंपली सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ी देर तक ये क्या करेगा, आपके इंस्टॉलर को जनरेट करेगा, ये स्क्रिप्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा और इंस्टॉलर को जनरेट कर देगा। जब आपका ये यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा उसके बाद इसको बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे और बाकी चीज़ भी बंद कर देंगे, और डेस्कटॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे एक exe फाइल आ जाएगी, माई फॉर्म डॉट exe फाइल। अब इस फाइल को आप इंस्टॉल कर सकते हो सिंपली। अब मैं क्या करता हूँ इस पर नेक्स्ट डबल क्लिक करके इंस्टॉल करता हूँ, इसको परमिशन दे देता हूँ, और फिर देखिए ये पूछ रहा है कहाँ पे इंस्टॉल करना है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। क्रिएट अ शॉर्टकट, देखिए डेस्कटॉप शॉर्टकट, नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर इंस्टॉल कर देता हूँ। ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देगा प्रोग्राम फाइल्स में, और फिर मैं क्या करूँगा फिनिश कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे एक डेस्कटॉप का आइकन आ गया माई टेस्टिंग फॉर्म, इस पर आप डबल क्लिक करिए और आपका देखिए फॉर्म एक चल रहा है सिंपल। अब आप क्या करिए सिंपल देखिए डबल क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, सिंपली चला सकते हैं। इतना सिंपल था इंस्टॉलर बनाना। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप सिंपल ये exe इंस्टॉलर दे दीजिए, ये 30 MB का हमारा बना है, बाकी आप लोग का देख लीजिए। अगर आपके पास बड़ा एप्लीकेशन है तो बड़ा, इसकी साइज़ भी बड़ी होगी, लेकिन जब आप इसको देंगे तो सिंपली दूसरा बंदा क्या करेगा इंस्टॉल करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपकी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, डेस्कटॉप आइकन बन जाएगा, ये उसे ऐसे ही रन कर लेगा सिंपल। और रिसोर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने रिसोर्स अच्छे से मैनेज किया है, जैसे मैंने मैनेज करके दिखाया है यहाँ पे रिसोर्स, ये रिसोर्स फोल्डर बनाया था, तो अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हो, ऑडियो यूज़ कर रहे हो या कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसको इसके रिलेटिव पाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।